हेलो आरती, कैसे हो? गुड इवनिंग टू ऑल। अभी और स्टूडेंट्स को आने देते हैं। उसके बाद हम लोग मैं क्वेश्चंस आप लोग जो करोगे। हेलो यीशु, कैसे हो? हेलो राखी, हेलो हितेश, हेलो राखी, हाय रूपांशी, हाय रितिका, हाय रॉयल कंबोज, हाय दी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग रॉयल? मैं भी सही हूँ। हेलो कविता, हेलो जुबू, हेलो नैन्सी। आई थिंक यू आर लेट। यस आई एम लेट, कुछ किसी ने मुझे लेट करा दिया। हेलो चमोली स्टार, दी काउंसलिंग कब तक होगी? पर टेंशन हो रही क्या? प्लीज़ काउंसलिंग हो सकता है आपके ना इस अक्टूबर अगर तक हो सकती है। फिर अगर नहीं होगी तो मतलब वैसे चांसेस हैं कि आपके इस अक्टूबर पर हो ही जाए, बिकॉज अभी भी नोटिस आ रखा है जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर बैच है, जो तुम्हारा सीनियर बैच है, उसके एग्ज़ाम इसी अक्टूबर के 17 तारीख तक ऐसे आ रखा है कि इस 17 अक्टूबर 17 तक उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। एक बार उनके एग्ज़ाम हो गए, वो प्रमोट हो गए सेकंड ईयर में, तो उसके बाद आप लोगों की इसका मतलब काउंसलिंग कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो एक क्लू है कि अक्टूबर तक हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग हो जाए। जो पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊं, पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि पासवर्ड ना, जैसे मैंने आपको बता रखा है ये उसी से रिकवर होगा, समझ रहे हो आप लोग? जैसे मैंने आपको बता रखा है ना कि सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट में जाना है, फिर लॉगिन करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है, तो प्रोसेस आपका वही रहेगा। और क्या कहते हैं, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यूनिवर्सिटी को कॉल करो। गवर्नमेंट साइड है, हमेशा लेट काम करती है और नहीं उठाती है फ़ोन, तो इसीलिए वही कांटेक्ट करते रहो आप उनको। काउंसलिंग कब तक होगी? हो सकता है बच्चे की काउंसलिंग इस अक्टूबर तक हो जाए। बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी डेट नहीं पता आपको। अगर काउंसलिंग होगी तो सबकी एक साथ होगी, समझ रहे हो, है ना? चाहे बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, पैरामेडिकल हो, सबकी काउंसलिंग एक साथ होगी। और अगर नहीं होगी तो फिर मतलब वैसे तो होगी, बट अगर डेट आएगी तो सारे कोर्सों की डेट आएगी, सबकी काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि बीएससी नर्सिंग की हो जाए और आपकी ना हो, तो होगी तो सबकी होगी, ठीक है दी? अगर अक्टूबर में नहीं हुई तो INC ने तो कहा कि INC के नोटिस के अकॉर्डिंग तो यही था कि अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। अब पता नहीं ये लोग दिवाली के बाद कराते हैं, दिवाली के पहले कराते हैं, कब तक एक्सटेंड होती है? 1 मंथ समथिंग तो लग ही जाता है काउंसलिंग, मतलब कि काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस जाने पर। दी 298 रैंक OBC कैटेगरी में कोई कॉलेज मिलेगा? हाँ नैन्सी, आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप ये बताओ, अगर बीएससी नर्सिंग में चाहिए तो चांसेस हैं आपके, पैरामेडिकल जीएनएम में भी हैं, तो आप सारी काउंसलिंग करवाओ। दी 1003 पे नर्सिंग कॉलेज OBC मिलेगा, हरिओम उनियाल, आप सारी काउंसलिंग करवाओ। हो सकता है कि अगर कोई सीट लेफ्ट करे तो आपको मिल जाए। दी बता दो, मेरे दोस्त के रैंक ANM में है, SC से काउंसलिंग करानी चाहिए? आरती टमटा, ANM में इतनी ज़्यादा सीट्स तो नहीं है, 150 समथिंग सीट्स हैं ANM और GNM की, ठीक है? इससे ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। और आपकी जो फ्रेंड है उसकी रैंक बहुत ज़्यादा है, 1003 है, और वो SC कैटेगरी की भी है, तो क्या पता कोई चांसेस हो, तो आप सारे काउंसलिंग कर लो, ठीक है? ANM में EWS लगेगा ना, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपका EWS सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है? और इस बार ना INC ने एक नोटिस जारी कर दिया, उसमें एफिलेटेड कॉलेज का अपने यहाँ पर ना थोड़ा लाइटिंग सिस्टम थोड़ा डिम है, और थोड़ा तो अगर आवाज़ नहीं आ रही तो फिर कुछ देख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? सीट्स मुझे नहीं, पहले तो ऐसा बोल रही थी कि इंक्रीज होंगी, अभी INC ने अपने एफिलेटेड कॉलेजेस सारे निकाले हैं, उसमें जो सीट्स हैं मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगी। मुझे नहीं लगता है कि सीट्स मतलब बढ़ी हैं करके, मुझे लग रहा है सेम ही है, बट फिर भी मैं एक बार देखूंगी और आपको बताऊंगी कल तक, ठीक है? उमा आगे मैं BSc नर्सिंग करती हूँ, मेरा फुर्स है। यस मैम, BSc नर्सिंग में ही टू नैन्सी सारी काउंसलिंग कराओ, चांसेस है जिसमें क्या BSc नर्सिंग में सीट्स इंक्रीज होंगे लगता नहीं है। दी 160 एंगल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिन्हें कैटेगरी में WC लगता मिल जाएगा। आवाज़ सही से नहीं आ रही, अच्छा आवाज़ सही से नहीं आ रही है, आज मैं ट्राई करूँगी कि अभी अच्छे से आ रही, ठीक है? 238 टाइम पर BSc पैरामेडिकल में कॉलेज मिलेगा क्या? एक्सपायर्ड अगर कोई कैट, अगर आपके पास जर्नल हो EWS तो ईजी मिल जाएगा, बट और अगर नहीं है तो थोड़ी डिफिकल्टी से तब भी मिल जाएगा, तो आप सारी काउंसलिंग करवा देना। सपना टंडा, दी 222 रैंक पैरामेडिकल में कॉलेज मिल जाएगा, अगर हाँ तो कौन सा मिल सकता है? सपना टंडा, आपको पैरामेडिकल में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, आप अच्छे नंबर पे दून कॉलेज को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद हरिद्वानी कॉलेज है या फिर कहीं और है उसको दीजिए, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज सारा काउंसलिंग का अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है? सृष्टि आवाज नहीं आ रही है, ओके मैं ट्राई कर लूँगी कि मैं थोड़ा लाउड बोलती हूँ। मंतसा खान, आवाज़ नहीं आ रही।
नहीं आएगी ना, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है? तो चिंता मत करो, क्योंकि आपका जो सीनियर बैच फर्स्ट आए उसके एग्जाम इस अक्टूबर तक कंडक्ट होने हैं, ऐसा उनकी स्कीम आई है और ऐसा बच्चे बोल है। अगर उनके एग्जाम की कोई मुझे पक्की वाली इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक बार अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए तो ईजिली आपके काउंसलिंग होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बेस्ट सेकेंड ईयर पर आएगा और आप लोग आ जाओगे किस में, कॉलेज में, आपके लिए एक सीट्स छूट जाएगी, समझ में आ गया? तो आप इजीली आ जाओगे उस पर, तो इसलिए उनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्लियर नहीं आ रही मैम, कुछ साउंड आ रहा है, अब सही है, अभी बताओ अभी कैसी है? हेलो, हाय, एक बार ना मुझे सब बता दो कि मेरी वॉइस कैसी है, फिर मैं सबके आंसर्स करूँगी, क्योंकि अगर आवाज़ ही नहीं आ रही तो फिर तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे ना, इसलिए बोल रही। दी बी एस सी अभी क्लियर, ओके राखी, थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स करा, ओके नैन्सी, अब मैम थैंक्स मैम, मेरी क्वेरी सॉर्ट आउट करने के लिए, ओके वेलकम। बच्चे कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दी जल्दी हो जाएगी क्या काउंसलिंग? एक बार आपके जो सीनियर बैच फर्स्ट ईयर जो यहाँ पढ़ रहा है ऐसा बोल रहे हैं कि 17 अक्टूबर तक उनके एग्जाम कंडक्ट होने हैं, एक बार उनके एग्जाम हो गए वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर के बैच बन के कॉलेजेस में आओगे, तो कहीं ना कहीं ये एक क्लू है कि आपकी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो जाएगी, ठीक है? एक बार उनके एग्जाम हो गए तो फिर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग होने में 1 महीना लगता है, जैसे जैसे आपको सीट्स मिलेंगी आपको क्या होगा एडमिशन भी लेते रहना होगा विद इन 1 वीक। मैम 298 रैंक में ओबीसी कैटेगरी बीएससी नर्सिंग में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? नैन्सी अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आप दून और हल्द्वानी दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो। दी बीएससी नर्सिंग सीट्स इंक्रीज होगी या नहीं? अभी जो अभी तक तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सीट्स के नंबर सेम ही है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि अभी उन्होंने एफिलेटेड कॉलेज की अपनी पूरी लिस्ट दे दी है, उसमें सीट्स के इंक्रीज नहीं हुई हैं, ठीक है? दी घर वालों ने ताने सुना सुना के पागल कर दिया है, उनसे बोलो काउंसलिंग पक्का होगी, तुम्हारे जो एंट्रेंस के पैसे ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, एक बार जब वो पैसे लिए हैं तो ऐसा नहीं होगी काउंसलिंग नहीं होगी। फर्स्ट ईयर के 4 या 5 एग्जाम होते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? गैप सर्टिफिकेट होना मंतसा बहुत ज़रूरी है, गैप सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका एक डॉक्यूमेंट सीधे सीधे एडमिशन के टाइम पर कम हो जाएगा। गैप सर्टिफिकेट किसी भी तहसील से जाओ और प्लीज़ बनवा लो। DPW में रिजर्वेशन मिलता है कि हाँ, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है और आपके तो DPW में आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, छूट मिलेगी, जिससे कि आपकी आपको अच्छे से वो मिल जाएगा कॉलेज। हाँ सच में दी, घर वाले बोल रहे हैं, घर वाले से बोलो कि काउंसलिंग हो जाएगी और मुझे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बस आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहो, ठीक है? काउंसलिंग कब तक होगी? लगभग 9 अक्टूबर तक तो हो जानी चाहिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा खींच लेंगे तो नवंबर तक, बट जहाँ तक है अक्टूबर तक चांसेस हैं आपके। अब देखो यूनिवर्सिटी क्या करती है, मेरे GNM में 2110 रैंक है SC कैटेगरी में, आपकी उमर बहुत ज़्यादा रैंक है, तो मैं इसमें आपको सियोरिटी तो नहीं दूंगी कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, बट अगर आप चाहो तो काउंसलिंग करवा सकते हो। सृष्टि परेशान मत हो, जब तक मैं आपके साथ हूँ काउंसलिंग जरूर होगी और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो घर वालों से बोलो कि मुझे इतना ताने मार सुना। 469 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बीएससी नर्सिंग का मान से रहा था, EWS मिल सकता है, EWS नहीं थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है, सुनीता ट्राई करो मिल सकता है, बीएससी नर्सिंग में आरती ट्राई करो थी, आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर की वीडियो बनाते तब आपने गैप सर्टिफिकेट के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने गैप सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता रखा था, अगर नहीं बताऊंगा तो मैं अभी आपको बता दूँ, गैप सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दी एक वीडियो में सारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज बता दो रैंक वाइज, जो हम काउंसलिंग में डालें, ठीक है? तो कल मैं एक वीडियो इस पर लिखा दूँगी, गैप सर्टिफिकेट किसको बनाना, गैप सर्टिफिकेट उनको बनाना होगा जैसे कि आपने अभी 12th पास आउट कर लिया है, समझो, और आप 12th पास आउट करने के बाद आपका जो वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस कट रही है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रही सही से, हेलो अभी आ रही है, क्या हो रहा है यार ये, यहाँ पे एक तो ना पहाड़ है, ऊपर से यहाँ बारिश हो रही है, तो यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है यार। अभी आ रही है, हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ ये पिथौरागढ़ में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता है, अभी आवाज आ रही है मेरी, हेलो हेलो अभी आ रही मेरी आवाज़, दी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी,
आवाज नहीं आ रही है। हेलो वॉइस प्रॉब्लम। हेलो अभी आई है। मैं क्या करूँगा, एक बार ना एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर दूँ तो आप लोग प्लीज यहीं पर रहिएगा। हेलो अभी आ रही है, अभी आ रही आवाज़। अभी मैंने दोबारा से एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ किया है। आरती अभी आपको आवाज़ आ रही है? मैम TU98 रैंक में OBC कैटेगरी BSc नर्सिंग में कौन सी काउंसलिंग तक दून या हाजिरी मिल सकता है? नो दीदी नहीं यार, नहीं अभी भी नहीं। हेलो मैं एक बार, वॉल्यूम नॉट प्रॉपरली क्लियर, थोड़ी सी भी आ रही है क्या? हेलो हेलो हाय अभी आ रही है? ठीक है आ रही है, ओके थैंक गॉड। यार मेरी आवाज़ आ रही है, मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना। मैम 584 रैंक में BSc नर्सिंग में कोई कॉलेज मिल जाएगा SC कैटेगरी? मानसी चांसेस हैं आपको कॉलेज मिलने के, सारी काउंसलिंग कराओ बच्चा। ठीक है थैंक यू नैन्सी, थैंक यू राखी। ठीक है क्लियर आ रही बस, थैंक यू। 449 रैंक है SC कैटेगरी में, कोई चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के? सिमी कोहली आप सारी काउंसलिंग कराओ, चांसेस हैं कॉलेज मिलने के। ठीक है सिमी, सारी काउंसलिंग करवाओ, चांसेस हैं कॉलेज मिलने के। और काउंसलिंग हाँ अभी 387 रैंक पे मुझको हल्द्वानी मिल जाएगा EWS कैटेगरी। मंतशा आपको चांसेस हैं मिलने के, सारी काउंसलिंग करवाओ। ठीक है दी मेरे 443 रैंक है SC कैटेगरी है, लकी काउंसलिंग सारी करवाओ। थैंक यू आरती, माइक से थोड़ा दूर आवाज़ इको कर रही है। ओके मैम 993 रैंक में SC कैटेगरी, सुनीता साह सारी काउंसलिंग करवाओ। काउंसलिंग अक्टूबर तक, अक्टूबर या नवंबर तक हो जाएगी। ठीक है तो आप लोग अपने को मोटिवेट करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए। जब भी कोई नया नोटिस आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। बस टेंशन मत करिए, कोई कुछ घर से ताना दे रहा है तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। ठीक है थैंक यू सृष्टि। 625 OBC में कोई चांसेस हैं BSc? नैन्सी सारी काउंसलिंग करवाओ। ठीक है चांसेस हैं दी। GNM में 360 रैंक है OBC कैटेगरी कॉलेज मिल सकता है। SS जो भी हो सारी काउंसलिंग करवाओ। दी EWS सर्टिफिकेट तो नहीं है, BSc नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। EWS नहीं है तो मानसी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है कोमल पूछो आप क्या पूछना है। ठीक है क्योंकि EWS से थोड़ा कोटा मिल जाता है और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गैप सर्टिफिकेट बताओ, गैप सर्टिफिकेट देखो क्या होता है। जैसे आपने 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद आप 1 या 2 साल घर पे खाली बैठे थे, आपने कोचिंग ली थी या किसी चीज़ की कोचिंग ले रहे थे तो आपने कोई, या फिर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप BSc कर रहे थे, MSc कर रहे थे तो आप लोग उसको जाके दोगे कि भाई 2 साल मैंने ये कोर्स किया तब जाकर मैं, और तब मैं यहाँ पर हूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि मैं 2 साल तक ये काम कर रहा था, ये काम कर रही थी, वो चीज़ वहाँ जाके लगती है। थैंक यू नैन्सी। काउंसलिंग कब होगी बच्चे? काउंसलिंग अक्टूबर तक हो जानी चाहिए क्योंकि जहाँ तक INC के नोटिस के अकॉर्डिंग, अब पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है, तो जब भी कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको पक्का बता दूंगी, प्लीज़ चिंता मत करिए। SC में 375 रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? कन्नू, कन्नू मिल जाएगा, सारी काउंसलिंग करवाना। मैम आप भी अक्टूबर बोल रही थी और अब नवंबर? मैं नवंबर नहीं बोल रही हूँ, जहाँ तक है कि काउंसलिंग अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। अगर मेरे हाथ में काउंसलिंग हो करानी होती तो मैं तुम सबको गवर्नमेंट कॉलेज दे देती और फटाफट काउंसलिंग करवा देती, बट अब मुझे भी यूनिवर्सिटी के नोटिस का वेट करना पड़ता है। जैसे ही वो कोई नोटिस देते मैं फटाफट आप लोगों तक क्या करती हूँ, पहुँचा देती हूँ।
बहुत ज़्यादा रैंक है 1700, तो क्या चांसेस है बीएससी नर्सिंग में ओबीसी सृष्टि आपकी बहुत ज़्यादा रैंक है 1700 में। मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दूंगी कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, बट मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ आप सारी काउंसलिंग करवाओ। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हो तो थोड़ा थोड़ा आपको क्या होता है ना, फीस में भी थोड़ा क्या होती है वो होता है आपका, कम लेते हैं। और क्या पता अगर कोई स्टूडेंट सीट लेफ्ट करे तो आपको मिले, तो प्लीज़ काउंसलिंग आप क्या करो, करवा लूँ। मैम पैरामेडिकल में 260 रैंक है, ईडब्ल्यूएस में कॉलेज मिलेगा, आपको नंदिनी कॉलेज मिल जाएगा जो आप चाहोगे। दी यार मुझको बहुत डर लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज गारंटी। देखो मंतशा मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड थी उसकी 450 रैंक थी, और वो ठीक है वो जनरल कैटेगरी से थी, उसका और उसका जो जनरल कैटेगरी से थी 450 समथिंग उसकी बीएससी नर्सिंग पे रैंक थी, उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, आज वो हल्द्वानी कॉलेज से पढ़ रही है बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई, समझ रहे हो। तो अब देख लो आप मैम 298 रैंक में ओबीसी कैटेगरी बीएससी नर्सिंग में कितनी काउंसलिंग, दूनी हल्द्वानी मिल सकता है, सारी काउंसलिंग करो, सेकंड में भी मिल सकता है, थर्ड में भी और फर्स्ट में भी, ठीक है। तो इसलिए सारी काउंसलिंग करो, पैसे सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में लगते हैं, सेकेंड और थर्ड फ्री होती है। दी एस सी में 726 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बीएससी नर्सिंग, प्लीज़ आपकी एस सी रैंक है अंशु वर्मा, सारी काउंसलिंग करवा लो, मैं आपको यही बोलूँगी, हो सकता है आपको थर्ड काउंसलिंग में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। कोमल 147 जो जनरल है, कोमल अभी मैं आपका पढ़ने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो मुझे A&M के एडमिशन के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ऐसा कोई न्यू रूल आया क्या? नहीं लता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, A&M में 8 ही मांगते हैं ग्रेजुएशन के उसमें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चिंता मत करो बच्चे, आपका अच्छे से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और आप A&M नर्सिंग अच्छे से करोगे। 726 में टिहरी मिलेगा एस सी से बीएससी में, हो सकता है कि आपको टिहरी से अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो अंशु सारी काउंसलिंग करवाओ। मुस्कान मैम मेरी 300, मुस्कान सारी काउंसलिंग कराओ, चांसेस हैं दी बीएससी नर्सिंग में एस सी करके 450 रैंक में हल्द्वानी कॉलेज मिलने के। मैं यही, मैं श्योरिटी नहीं दूंगी, बट कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूंगी प्लीज़ सारी काउंसलिंग कराओ। अगर जिस टाइम आपको कॉलेज मिलेगा ना, फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं काउंसलिंग करवाती तो मुझे कॉलेज मिल जाता, तो प्लीज़ तुम भी काउंसलिंग करवाओ, चांसेस हैं। काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलते हैं प्लीज़ बता दो। कुछ नहीं, काउंसलिंग में आपको जो प्राइवेट कॉलेज चाहिए आप प्राइवेट कॉलेज डाल देना, वो ईजिली आपको मिल जाएगा। दी 371 रैंक एस सी कैटेगरी हल्द्वानी में मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। आराधना सिंह, अगर आराधना सिंह एस सी कैटेगरी है आपकी, तो आप प्लीज़ सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है फर्स्ट नहीं तो सेकेंड या थर्ड में आपको कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में आपको डेफिनेटली कोई कॉलेज मिल जाएगा। दी काउंसलिंग तो होगी ना, कहीं एग्जाम दोबारा तो नहीं होंगे? अंजलि, कोई एग्जाम दोबारा नहीं होगा बच्चे, और आपकी काउंसलिंग जरूर होगी, ठीक है, और सबकी काउंसलिंग होगी, तो इसके बारे में चिंता मत करो। सरस्वती दी 2212 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी है, बीएससी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? रैंक आपकी बहुत ज़्यादा है, मैं सियोरिटी नहीं दूंगी, अगर आप चाहो तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। दी GNM में 150 रैंक है, जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। साक्षी बिस्ट, GNM और A&M में 150 से ज़्यादा सीट्स नहीं है, तो मैं जनरल वालों के लिए अभी नहीं, अगर ईडब्ल्यूएस तो ईजिली मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस से तो उसके बिना थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। 257 रैंक 25 कैटेगरी है, रैंक एस सी कैटेगरी के जो चांसेस है, कोमल चांसेस हैं, सारी काउंसलिंग करवाना। मुस्कान आप पिथौरागढ़ से कर रही हो ना बीएससी नर्सिंग, मैंने आपको देखा है। हाँ मैं कर रही हूँ पिथौरागढ़ से, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़, और यहाँ पे दो हॉस्पिटल हैं ट्रेनिंग करने के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फीमेल हॉस्पिटल। मैम 800 रैंक बीएससी नर्सिंग एस सी कैटेगरी, रवि सारी काउंसलिंग करवाओ। दी ग्रेजुएशन के बाद भी गैप सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं, जो आपने ग्रेजुएशन करी आप उसका सर्टिफिकेट दिखाना, गैप सर्टिफिकेट उनका बनता है जो जो बनता है जो सिर्फ घर पे बैठे थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया है या फिर कहीं से कोचिंग वगैरह ली है, तो उनका बनता है। 50 से कम वालों की भी काउंसलिंग होगी क्या? क्यों नहीं होगी, होगी काउंसलिंग। दी बीएससी नर्सिंग में 101204 रहेंगे ऐसे से, दी काउंसलिंग कराऊंगी नहीं। आरती काउंसलिंग कराने में क्या जा रहा है, मैं कहूँगी आप काउंसलिंग करवा लो, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर काउंसलिंग करवाती तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। मैम बुक्स कॉलेज से मिलेंगी या खुद से लेनी पड़ती है? बट लाइब्रेरी की फैसिलिटीज होती है कॉलेज में, जहाँ से आप बुक लेके साल भर पढ़ सकते हो फिर वापस दे सकते हो। वेलकम वेलकम रवि। अनुष्का दी एस सी कैटेगरी GNM में 761 में रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अनुष्का सारी काउंसलिंग करवाओ, सेकेंड या थर्ड में हो सकता है कि आपको मिल जाए।
दी ए एन एम में 217 रैंक जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है या नहीं। रॉयल कंबोज ए एन एम में ज़्यादा रॉयल, अगर आप ए एन एम सिर्फ लड़के नहीं कर सकते हैं, लड़कियों के लिए होता है ए एन एम बस। मैम गैप सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे बनेगा? मैम गैप सर्टिफिकेट आप लोग किसी अपने पास की जो तहसील होती है ना वहाँ पर जाके आप गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो, उनसे बोलना वो खुद बना देंगे पैसे लेकर आपसे। दी मेरी रैंक 211 है, मैं जनरल कैटेगरी हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नर्सिंग में? 211 आपकी रैंक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अंजलि, बट हल्द्वानी और दून तो नहीं मिलेगा, हो सकता है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ इनमें से कोई एक मिल जाए। मैम क्या अक्टूबर में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी? लग तो ऐसी रहेगी, हो जानी चाहिए। अब जब तक यूनिवर्सिटी कोई नोटिस नहीं देती है तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। मैंने 2020 में फर्स्ट सेम कंप्लीट किया है, क्योंकि किया था तो मेरे को हाँ गैप लग, अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन करी है, बीए करा है, एमए करा है, उसका सर्टिफिकेट है तो आप वो दिखा सकते हो। अगर कुछ नहीं करा है तो गैप सर्टिफिकेट जाके बनाओ। दिए गैप सर्टिफिकेट की जरूरत भी है क्या? हाँ गैप सर्टिफिकेट की जरूरत एडमिशन के टाइम पर अंजलि पड़ती है। काउंसलिंग अक्टूबर तक मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकती, श्योरिटी शुभम, बट जहाँ तक है अक्टूबर तक लोग कह रहे हैं कि हो जाएगी, अब देखो क्या होता है। हेलो प्राची कैसे हो? दी अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल करूँ और प्राइवेट भी तो कैसे मिलेगा कॉलेज? कोई नहीं, गवर्नमेंट भी करो प्राइवेट भी करो, अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको गवर्नमेंट मिलेगा, अगर गवर्नमेंट के लायक नहीं होगी तो आपको प्राइवेट दे देंगे। दी एन एम में दे देंगे 180। तो कौन सी? लता पलड़िया, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ई डब्ल्यू एस है आपके पास तो और अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैम पिछले 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ बता दो। बच्चे जो मैंने प्रोसेस बताई है पासवर्ड रिकवर उसी से होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्यों नहीं हो रहा है। जितने आप चाहो उतने कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट भी डाल सकते हो आप लोग, गवर्नमेंट भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ 3 डालो 5 डालो, जितना सारे गवर्नमेंट डाल दो साथ के साथ, जितने प्राइवेट, और प्राइवेट में जो आपको बेस्ट कॉलेज प्राइवेट का वो डालो जो प्लेसमेंट देता है। अगर प्राइवेट पैसे ले रहा है तो प्लेसमेंट भी देना चाहिए। गुड इवनिंग आशा कैसे हो? ठीक है दी मैं बीएससी कर रही हूँ, मनीषा सादी मैं बीएससी करी, तो कोई नहीं आपका बीएससी का लग जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैम क्या करूँ जिससे आ जाए ओपीटी रिव्यू? ओके थैंक्स, थैंक यू इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई नहीं, अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू। दी आप एनएम कर रहे हो क्या? नहीं मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, मेरा 4th ईयर और अभी मैं इंटर्नशिप करती हूँ। मैम मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया तो गैप करके बनाना पड़ेगा क्या? आपने बीएससी नर्सिंग, आपने बीएससी करे तो आप बीएससी का सर्टिफिकेट दिखाना कि भाई मैंने 3 साल ये कर रखा था, जितने भी साल आपने गैप किया है। ग्रेजुएशन के का कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो आप जिसके आप ग्रेजुएशन करें उसका? दी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 132 रैंक है ए एन एम में। प्राची चांसेस हैं मिलने के, सारी काउंसलिंग कराना और आपकी अच्छी रैंक है, फर्स्ट ऑफ कांग्रेस। मैम आ ही नहीं रहा बच्चे, आएगा तो वैसे ही, अब पता नहीं पासवर्ड क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ। यूनिवर्सिटी के नंबर पर कॉल करो तो उसमें इनकमिंग बंद आ रही, मैंने भी ट्राई करी है गई। दी हमारे स्कूल से हमें 2 मिनट, हाँ दी मैंने बीएससी कर रही हूँ, इस बार फाइनल था तो मुझे कैप्टन नहीं, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। मैम 355 में पैरामेडिकल हो जाएगा क्या? शुभम सारी काउंसलिंग करवाओ, चांसेस हैं क्योंकि इस बार पैरामेडिकल बहुत कम बच्चों ने दिया है, ठीक है तो सारी काउंसलिंग एक बार आप करवा लो। दी मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, मेरी रैंक 2212 है ABC में। सरस्वती एक बार जैसी काउंसलिंग की डेट आती है तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों डालो बच्चे, गवर्नमेंट मिल गया तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट नहीं मिला तो आपको प्राइवेट खुद ही मिल जाएगा। तहसील से बनेगा अंजलि, मैम मेरा तो बीएससी फर्स्ट ईयर हुआ है, मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं, जो चीज़ बीएससी फर्स्ट ईयर हुआ ना तो उसका सर्टिफिकेट दिखा देना। दी आपकी मैंने कुछ गैप नहीं करा था, मैंने 12th के बाद सीधे नर्सिंग निकाल दिया था। दी कैसा पासवर्ड होता है? पासवर्ड मैं एक बार मैं आपको पासवर्ड के बारे में बता दूँ तो प्लीज़ थोड़ी देर मैसेज लिखना बंद करिए। पासवर्ड मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप लोग, मतलब पासवर्ड वो होता है जब हम लोग नर्सिंग का एंड, जैसे नर्सिंग का आपका फॉर्म किसने भरा? किसी भाई ने या फिर कोई नियर के साइबर कैफे ने। कहाँ से आपने नर्सिंग का फॉर्म? तो ऑनलाइन फिल होता है। जब आप नर्सिंग का फॉर्म फिल करते हो तो आपको पर्टिकुलर ना एक पासवर्ड दिया जाता है कि ये आपका पासवर्ड है और ये आपका जब काउंसलिंग होगी तो आपके ये पासवर्ड काम आएगा, इसको याद करके रखो, क्योंकि उस पासवर्ड से आपकी जो साइट होती है वो खुलती है, उसी से लॉगिन होती है। अगर वो पासवर्ड किसी को याद नहीं है या फिर किसी का खो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड जा करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके। तो पासवर्ड सिर्फ उनको बनाना है जो अपना पासवर्ड भूल गए हैं, हर किसी को अपना पासवर्ड नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है? काउंसलिंग के टाइम पर जब आप लोग वहाँ पे यूज़र नेम लिखते हो ना, काउंसलिंग कैसे होती है, सबसे पहले आपका आता है यूज़र नेम, यूज़र नेम के बाद आपका पासवर्ड मांगता है, समझ रहे हो? तो पासवर्ड जिनको याद है उनका अच्छा है, अपने मन से सभी मत बनाने लग जाओ, जिनका खो गया उनके लिए आइए।
दी मेरी रैंक 360 है ओबीसी कैटेगरी में, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, सारी काउंसलिंग कराओ चांसेस हैं। माही जब बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी तो जीएनएम की भी हो जाएगी, चिंता मत करो बच्चे, ठीक है। दी गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा और कितने टाइम लगेगा? गैप सर्टिफिकेट उसी टाइम बन जाता है और तहसील से बन जाएगा, इतना चिंता मत करो। क्योंकि मैंने प्राची रावत, अगर आपने कोई बीए एमएससी वगैरह किया है तो फिर आपके उस कॉलेज का समझ लो कॉलेज की चीज़ लगेगी, जो आपका कॉलेज है ना, जैसे कि आपने कॉलेज वगैरह किया तो उसकी चीज़ लगेगी, जैसे कि आपने बीएससी किया तो उसका सर्टिफिकेट दिखा देना आप, ठीक है। दी मेरी जीएनएम में 327 रैंक है, मुझे सिर्फ मार्कशीट और टीसी मिली थी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो नहीं दिया, ठीक है। तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल से ही मिलता है, तो एक बार आप अपने स्कूल पे जाकर पता कर लेना। मैम नर्सिंग में कॉलेज मिलेगा क्या? 713 रैंक है ओबीसी में, बॉय वीके बॉयज़ जो भी आप हो सारी काउंसलिंग करवाओ, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं दूंगी बट प्लीज़ सारी काउंसलिंग करवाओ, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दी मेरी ठीक है दी, मुझे पता ही नहीं था भाई ने भरा था, उसको ही पता होगा। हाँ तो आपके जो भाई ने भरा होगा ना, उन्होंने आपको एक पासवर्ड दिया होगा या फिर उनको पता होगा, भैया लोग संभाल के रखते हैं, उन्हें पता होता है ना, हम थोड़े मूर्ख टाइप के हैं, तो उनको संभाल के रखा होगा, तो चिंता मत करना, हर किसी को नहीं बनवाना है। हाँ ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं कल आपको एक बार पता करके बताती हूँ कि गैप सर्टिफिकेट उनको भी बनाना पड़ेगा, कि जो कुछ कर रहे हो, वैसे जहाँ तक है जो आप लोग कर रहे हो उसका देना पड़ता है, जो कुछ नहीं करता उसको बनाना पड़ता है। मैम जेएनएम रैंक 290 ओबीसी, क्या कॉलेज मिलेगा? हाँ हाँ चांसेस हैं, तो आप प्लीज़ सारी काउंसलिंग करवाओ। मेरा ईयर ख़राब हो गया ऐसे तो, अगर ओटीपी नहीं आया तो यार ओटीपी, अभी पता नहीं क्यों नहीं आपको ओटीपी दे रहा है, मैं पता नहीं क्या बताऊँ आपको, रिकवर ऐसा होता है। चलो एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से बताती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए हिमानी जोशी करके, होना तो वैसी थी, क्योंकि एक बार मेरी फ्रेंड का पासवर्ड खो गया था तो उसने ऐसे ही रिकवर किया था, तो मैं आपको वही प्रोसेस बता रही हूँ, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। वेलकम बच्चे, 358 ओबीसी नर्सिंग में जो हो जाएगा दुनिया प्राइवेट आंसू। प्लीज़ बच्चे आप जब काउंसलिंग करवाओगे, जो आपकी रैंक है उतनी गंदी नहीं है, सही सी रैंक है आपकी, प्लीज़ सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज डालो देन प्राइवेट डालो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तब प्राइवेट में ट्राई करो, जब गवर्नमेंट मिल रहा है लाखों रुपये बचने तो प्राइवेट के लिए इतनी जल्दी मत डालो, पहले गवर्नमेंट पर के लिए ट्राई करो, ठीक है ना। तो पहले गवर्नमेंट के लिए मैं आपको बोलूँगी, गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो। और जिसका ओटीपी वाली प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर से यूनिवर्सिटी से बात करूँगी, सब कुछ खोजूंगी, यहाँ वहाँ से पूछूंगी और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्लीज़ आप चिंता मत करो, मुझे इंस्टाग्राम आईडी हिमानी जोशी में एक बार डीएम कर दो, ताकि मुझे आपका ना रिव्यू यहाँ पे तो ऐसे याद नहीं रहता है, बट मैं वहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगी, वॉइस नोट्स भेज दूंगी आपको आगे जाके, आपको अच्छे से समझ आ जाए, बट टेंशन मत लो, और मुझे याद दिला देना एक बार, मैं पक्का पूछूंगी, ठीक है। तो नहीं ये लोग क्यों नहीं कर रहे ऐसे, तो बच्चे परेशान होंगे। अलोन बॉय जल्दी आओ। दी मेरी 285 रैंक है एएनएम में ओबीसी कैटेगरी, मुझे ब्रेन आउट प्रो जो भी आपका नाम है, आप सारी काउंसलिंग कराओ बच्चे, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं, तो आप सारी काउंसलिंग कराओ। दी मेरी 326 रैंक है जनरल कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, प्लीज़ दी टेल मी। प्रतीक्षा बच्चे आपको किस में चाहिए, बीएससी नर्सिंग में चाहिए, एएनएम में चाहिए, पैरामेडिकल पे चाहिए, जीएनएम में चाहिए, आप मुझे एक बार ये बता दो, उसके हिसाब से मैं आपको एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी, है ना। तो एक बार आप लोग मुझे ये बताओगे आपको एडमिशन किस पे चाहिए, उस कोर्स का नाम भी दी। अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो बन जाएगा क्या? ट्राई कर लो, क्या पता बन जाए। मैम ओटीपी ही पासवर्ड होता है ना, जो आपको वहाँ से ओटीपी मिलेगा ना, ठीक है, वो आपको जो वहाँ से आपको एक पासवर्ड देंगे, फिर आपको वो जो देंगे उसको उस पासवर्ड के वहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर इजीली हो जा रहा है लॉगिन तो इसका मतलब वही आपका पासवर्ड है, वो लोग वहीं उसको मतलब पासवर्ड के फॉर्म पर ही देंगे वो लोग, समझ रहे हो। बीएससी नर्सिंग में स्टेथोस्कोप कब मिलता है? बीएससी नर्सिंग में स्टेथोस्कोप आपको, अगर आपको वो बीपी हीपी लेना आता है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही मिल जाता है, बट आपका ज़्यादा इससे कुछ वो नहीं हो। अगर बीपी वगैरह लेने पे इसका बहुत यूज़ होता है, उसके लिए आपको थोड़ा क्या होता है ना, ट्रेंड होना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में आप लोग ऑब्जर्व करते हो, सेकेंड ईयर में आप लोग परफॉर्म करते हो, तो सेकेंड थर्ड ईयर से मिल जाता है। बीएससी नर्सिंग में प्रतीक्षा सारी काउंसलिंग कराओ, अगर कोई सीट लेफ्ट करता है तो चांसेस हैं आपको मिल जाए, अदरवाइज जनरल कैटेगरी के लिए तो आपको पता ही है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो, ठीक है। दी मेरा हो जाएगा क्या नर्सिंग में 800 कुछ रैंक है एसटी कैटेगरी, प्रीएमएस सियोरिटी तो नहीं दूंगी, बट मैं आपसे ये जरूर बोलूंगी कि आप सारी काउंसलिंग करवाओ।
601 रैंक ओबीसी कैटेगरी इन बीएससी नर्सिंग, एनी चांसेस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेज पूनम? हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो प्लीज़ आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज को देना, देन प्राइवेट कॉलेज डालना, और काउंसलिंग जरूर करवाना। जीएनएम कॉलेज कब शुरू होगी? जीएनएम की काउंसलिंग सबकी एक ही संग होगी, देखो अब कब होती है, अक्टूबर तक होती है या फिर कब यूनिवर्सिटी को अपडेट देती है। दी प्लीज़ यूनिवर्सिटी को बोलो कि जल्दी काउंसलिंग करवाए इस हमारे साथ। मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत सारा फीडबैक किया है, कॉलिंग करके पूछा है, वो लोग यही बोलते हैं कि अक्टूबर तक हो जाएगी, देखो आगे क्या होता है अक्टूबर तक। सारे प्रिंसिपल्स तो यही बोलते हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग झूठ क्यों बोलते हैं। जिसको भी कॉल करो यही बोलता है अक्टूबर तक हो जाएगी, अक्टूबर तक हो जाएगी। फिर जब कराने का टाइम आ जाए तो पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कराते हैं। अभी तो अक्टूबर की सिर्फ 7 ही तारीख हुई है, देखो इंतजार करो, क्या पता कुछ हो जाए। मैम मेरी आईडी ओटीपी से ही लॉगिन हो रहा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे यार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत 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 हो रहा है, ये खुद ही सब कुछ कट गया। प्लीज़ प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप लोग प्लीज़ फिर से कनेक्ट हो जाइए, और जो जो क्वेश्चन है प्लीज़ 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 कर दीजिए। AWS अभी भी बन के लग सकता है क्या? अगर अभी बन जाएगा, जितनी जल्दी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि AWS सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं किसी जुगाड़ से बन जाए। हेल्दी सॉरी फॉर लेट, कोई नहीं नेहा, जो भी क्वेरीज आपकी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी तो आज मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज आज नेटवर्क प्रॉब्लम इतना हो रहा है कि कभी डिसकनेक्ट हो रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉरी सॉरी सॉरी। दून और हल्द्वानी के बाद अच्छे कौन सा कॉलेज है? सबसे अच्छा और सबसे बहुत बेटर है दून, देन हल्द्वानी, देन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी वगैरह तो ऐसी हैं, फिर तो बहुत दूर दूर है, आपको पता नहीं जाने में एक दो दिन लग जाते हैं सारा वैसे, और प्रैक्टिकल इतना अच्छा कहीं भी नहीं है, तो बस यही है। वंदना मजाक नहीं, GNM 327 रैंक जनरल कैटेगरी से, क्या अल्मोड़ा कॉलेज मिल जाएगा? GNM में अनुष्का मेहरा ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, 150 सीट्स हैं, और आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैं आपको श्योरिटी नहीं दूंगी, बट यही बोलूंगी सारी काउंसलिंग कराओ। अगर कोई स्टूडेंट सीट लेफ्ट करता है या फिर उसका कहीं और कोर्स में एडमिशन हो जाता है, तो हो सकता है कि उसके जो उसने सीट छोड़ी है वो आपको मिल जाए, तो प्लीज़ आप सारी क्या करो, एक बार काउंसलिंग करवा लो, ठीक है ना। मेरे को तो पिथौरा एन में 3 दिन लग जाएगा मेरे को तो पिथौरा, क्या अंजू वर्मा, पिथौरागढ़ आने में 3 दिन लग जाएंगे। हाँ बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, पिथौरागढ़ एक तो बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, टाइम लग जाता है आने पे, समझ रहे हो। प्राइवेट कॉलेज कितनी रैंक तक? प्राइवेट कॉलेज आपको ऐसे भी मिल जाता है यार, अगर पहले आप लोग काउंसलिंग करवाते तो आपको ऐसे डायरेक्ट जाकर मिल जाता था, अब कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी सबने एडमिशन ले लिया है, अब आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो, तो काउंसलिंग में आप लोग प्राइवेट कॉलेज डालो जो आपको चाहिए, वो आपको कॉलेज क्या करेंगे, अगर आपकी रैंक उनके कॉलेज से थोड़ी होगी मतलब जैसे उन्होंने अपने कॉलेज के स्टैंडर्ड सेट किया है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज ईजिली दे देंगे, तो डोंट वरी। ओके प्लीज़ काउंसलिंग बच्चों सारी करवाओ, मोटिवेटेड रहो, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में आपके पैसे जाएंगे जो 1500 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद सारी काउंसलिंग सेकंड और थर्ड काउंसलिंग आपकी फ्री में होनी है, और मैं अगर आपको बताऊं तो प्राइवेट में आपके 1.5 से 1.5 लाख तक लग जाता है मतलब पैसा, बट प्राइवेट गवर्नमेंट में आप लोग सिर्फ हज़ारों में अच्छा खासा कर लेते हो, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी गवर्नमेंट कॉलेज डालना मत भूलो, सारे गवर्नमेंट कॉलेज डालो काउंसलिंग में, अच्छे से काउंसलिंग करो, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके रखो, जो जो मैंने आपको बोला है, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोले हैं। प्राइवेट कॉलेज कितने रैंक तक मिल जाता है? प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, आप डाल देना रिव्यू। मैंने यार वही होता है, अगर यूनिवर्सिटी कॉल नहीं उठा रही, क्या पता आप ट्राई करते रहो, एक दिन में कोई रोज़ कॉल करो, क्या पता कभी ना कभी आपका कॉल वो क्या करे, उठा ले, ठीक है। और प्रोसेस जो मैंने बताई है वही होती है, अब मैं उसके अलावा आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे जो पता थी मैंने वो बता दिया, और इसी से पासवर्ड मोस्टली क्या होता है, रिकवर होता है। बट फिर भी आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं आपकी वहाँ पर पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मेरे को 7 to 6 में कौन सी काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा? अंशु वर्मा आपको किस में कॉलेज चाहिए? बीएससी नर्सिंग में चाहिए, एएनएम में चाहिए, जीएनएम में चाहिए, पैरामेडिकल पे चाहिए? तो एक बार आप मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तो उस कोर्स को भी लिखो, ताकि मैं आपको ईजिली बता सकूँ, है ना, ऐसे पता नहीं चलेगा।
हेलो मैंडी, कैसे हो? गुड इवनिंग अंशु वर्मा, बीएससी नर्सिंग में अगर आपकी काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा, कोई कैटेगरी है आपकी? एससी है, एससी है, कुछ है तो आप मुझे बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से बता पाऊंगी। विनायक, ओके थैंक यू। दी बीएससी नर्सिंग में 110 रैंक जनरल कैटेगरी हल्द्वानी में मिल जाएगा क्या? अगर आपकी 110 में अंडर 100 होती तो मैं आपको पूरी पूरी सिक्योरिटी देती कि हाँ हाँ मिल जाएगा, बट मैं आपसे यही बोलूँगी सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है कि आपको मिल जाए। 1 मिनट, हाँ इसको बंद कर देना, जो लोग आ रहे थे। दी टोटल कितने कॉलेज हैं? एससी, हाँ तो आप सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। अंशु वर्मा, सीट मैट्रिक जब आएगी मैं आपको बता दूंगी, और टोटल कॉलेज मुझे किसके बताने हैं? दी कैटेगरी रैंक के हिसाब से अलग होती है, मिलती है क्या? अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपको कोई कैटेगरी लगता है तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है। मैम बीएससी नर्सिंग के बाद अदर कंट्रीज़ में जा सकते हैं क्या? हाँ आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हो इजीली। 647 रैंक बीएससी नर्सिंग एससी, सारी काउंसलिंग कराओ मानसी। मेडिकल तब बनवाओगी जब आपको कोई सीट अलॉट होगी, जब आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा तब आपको मेडिकल बनाना पड़ता है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। आप जहाँ जा रहे हो मतलब उसके लिए एडमिशन के लिए वहाँ से बना सकते हो, या फिर आप घर से बना कर ले जा सकते हो, लेकिन वो रिसेंट होने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि एक हफ्ते पहले बना के रखे तो वो नहीं चलता, 1-2 दिन आगे पीछे चल सकता है। दी अगर मार्क्स सेम है तो रैंक इतना पीछे क्यों चले जाती है? अगर दो लोगों के मार्क्स सेम होते, जैसे माना आपकी भी 73 है, एक के और की भी 73 मार्क्स है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। अगर आप छोटे हो तो आपके रैंक पीछे कर देते हैं, जो बड़ा होता है उसकी रैंक आगे कर देते हैं। जैसे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1995 है और आपकी 2001 है, तो आपको पीछे दे देंगे और 1995 को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उसकी एज जा रही है, तो उसे पहले प्रायोरिटी दो। आपकी एज है तो आप बंदे भी ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसे हो जाता है यहाँ पे नर्सिंग पे। मैं मेरी आईडी ओटीपी से ही लॉगिन हो रहे, तो ओटीपी मेरा पावर है। हाँ हाँ वही है। आप कहाँ से हो? मैं नैनीताल, सुना है नैनीताल से हूँ, बट यहाँ पर मैं बीएससी नर्सिंग के लिए आई हूँ। काउंसलिंग कब तक होगी ये बता दो प्लीज़। प्रियंका अभी तो बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक हो जानी चाहिए आईएनसी के नोटिस के अकॉर्डिंग और सब चीज़ के नोटिस के अकॉर्डिंग, बट अब देखो यूनिवर्सिटी क्या करती है, तो मैं आप तो मैं भी क्या बताऊँ, लेकिन जैसे ही कोई नोटिस आता है तो मैं आपको ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है। दी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज किससे बोलते हैं? सेमी गवर्नमेंट कॉलेज उसे बोलते हैं जिसमें जो फीस होती है प्राइवेट से कम होती है और गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है, मतलब एक बीच का नहीं होता है ना ज़्यादा, हम नहीं बोलते ना ज़्यादा ना कम ऐसे। दी आपकी क्या? मेरी रैंक थी मेरे टाइम पर 187 ऐसी कुछ, 180 ऐसी कुछ समथिंग थी मेरी रैंक, और मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में पिथौरागढ़ कॉलेज मिला था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है करके। और उसके बाद मैंने सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग करवाई ही नहीं और मैं सीधे गवर्नमेंट कॉलेज में चली गई। तो ठीक है, आप लोग सारी काउंसलिंग करवाओ, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज मेरे से आके क्लियर करो, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके क्वेश्चन करो, हिमानी जोशी है, आपको मैं इजीली मिल जाऊँगी। और इसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगी, तो वहाँ आप मेरे से जाके वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ लाइव में नहीं आते हैं, वहाँ जब लाइव करती तो वहाँ आ जाते हैं, तो उनके लिए मुझे वहाँ आना पड़ता है। दिस सेकेंड काउंसलिंग करवाएंगे तो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट कोई उससे कोई यूज़ का नहीं रहेगा ना? फर्स्ट काउंसलिंग करवाओगे, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट कुछ नहीं होता, आपको खाली सीट मिलती है। कितने तक फीस होती है दी प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू? अब ये मुझे नहीं पता सृष्टि, बट ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती, मैं आपको पहली बता दूँ, बट थोड़ी। अगर मुझे अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। तो हर फ्राइडे को मैं लाइव आती हूँ रात 8 बजे, 1 वीक में 1 टाइम मैं आती हूँ फ्राइडे को रात 8 से 9, और आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं एक हफ्ते में 2 बार आऊँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना, तो मैं ट्राई करूँगी 2 बार आने का, आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने का। दी काउंसलिंग रावत मुझे नहीं पता है, बट जहाँ तक मैंने फ़ोन में बात करी सब लोग बोले अक्टूबर अक्टूबर। अब देखो यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है,
ठीक है, जैसे ही कोई डिसीजन आएगा तो मैं आप लोगों तक पक्का पहुंचा दूंगी। दी टोटल कितने चॉइस डाल सकते हैं काउंसलिंग में? ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉलेज डाल सकते हो जितने आपको डालने हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही डालोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग अच्छे से कॉलेज डालो, मोटिवेटेड रहो, अपना ध्यान रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाओ। कुछ अगर अभी डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हैं आपके तो उनको करेक्ट कर लो तहसील में, अभी गैप सर्टिफिकेट बनवा लो और टीसी वगैरह सब रख लो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रख लो, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट 10th और 12th की मार्कशीट बना लो, सब कुछ मतलब मार्कशीट स्कूल से नहीं मिले तो ले लो। दी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी सेमेस्टर वाइज होगा, इसके बारे में तो अभी कुछ अपडेट नहीं आ रखा है, बीएससी नर्सिंग के बारे में आया है। दी मेरी 157 रैंक है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? प्रियंका आपकी रैंक बहुत अच्छी है, बट आपको किस चीज़ में एडमिशन चाहिए मुझे ये बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगी कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। NRTS मतलब दी 230 रैंक ANM में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं? रिंकी अपनी कैटेगरी बताओ। दी नर्सिंग ट्रैकिंग सिस्टम में पता करके आपको बताऊंगा जनरल कैटेगरी की, थोड़ा डिफिकल्ट है बट एक बार आप अपनी रैंक वगैरह मुझे फिर से बताओ पूरा पूरा लिख कर, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी। दी मैंने कंप्यूटर किया है तो मुझे भी देना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट? कंप्यूटर किया है तो शायद कंप्यूटर का 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, अगर आपने जैसे जितने महीने का आपने कंप्यूटर किया है उतने महीने का ही गैप है तो आपका उस सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, अगर ज़्यादा का गैप है 1 साल का तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। हाँ, जब आप लोग 12th पास आउट कर दो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, 10th, 12th ये सब वहीं से मिलता है, ठीक है। दी 230 रैंक जनरल कैटेगरी ANM में सिर्फ 150 सीट्स हैं तो मैं सियोरिटी नहीं दूंगी, अगर आपके पास EWS है तो चांसेस है मिलने के, अगर EWS ही नहीं है तो फिर मैं आपको ऐसे कुछ सियोरिटी नहीं दे सकती बच्चे कि आपको मिलेगा ही मिलेगा करके। तो या सारी काउंसलिंग करवा लो, हो सकता है कोई सीट लेफ्ट करे तो आपको मिल जाए, है ना। तो या मोटिवेट होते रहो, डीमोटिवेट मत हो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, अपनी तरफ से जो जो आपके हाथ का है वो कर दीजिए, बाकी तो भगवान कर ही देगा, है ना। एग्ज़ाम आपने दे दिया है और रैंक आपकी आ गई है, काउंसलिंग आप करवा लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वन फिफ्टी सेवन में प्रियंका बिस्ट आपको हो सकता है कि पिथौरागढ़ या फिर उस पर मिल जाए अल्मोड़ा पे, फर्स्ट में तो आपको यही मिलेगा, सेकंड और थर्ड में हो सकता है कि थोड़ा फिर मतलब जो आप डालो वो मिले, बट फर्स्ट में यही काउंसलिंग में यही मिलेगा। इरम में किस चीज़ का रिप्लाई करूँ आप मुझे बताओ, इरम मुझे क्या बताना है? अगर आप ये पूछ रहे हो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग के बहुत कम है या फिर बोलूँ है ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक है मुझे नहीं लग, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं। दी मेरी मार्कशीट में नेम से पहले कुमारी मेंशन है बट आधार कार्ड में कुमारी मेंशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि एक बार तहसील में जाके प्लीज़ इसको भी सही करवा लीजिए, मैं नहीं चाहती कि बाद में आपको एक कुमारी की वजह से एडमिशन ना मिले। दी 313 रैंक जनरल कैटेगरी बीएससी नर्सिंग टिहरी मिलेगा। रीता भट्ट मैं सियोरिटी नहीं दूंगी क्योंकि GNM की 330 या 340 सीट्स हैं, तो आप काउंसलिंग करवा लो, ठीक है, एक बार आप काउंसलिंग करवा लो, हो सकता है कि चांस क्या पता मिल जाए, तो आप प्लीज़ सारी काउंसलिंग करवा लो, ठीक है, क्योंकि आपकी रैंक उतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं है, मतलब बहुत पीछे भी नहीं है और बहुत आगे भी नहीं, एक मीडियम पे अटके हो ना आप, तो प्लीज़ काउंसलिंग करवा लो, बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में मैंने बहुत सर्च करा, मुझे नहीं मिला, पता नहीं ये कौन सा कॉलेज है और कहाँ पर है, मैं क्या बताऊँ, मैंने आपने जब से बोला मैंने बहुत सर्च करा, मुझे पता ही नहीं चला कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर है, कब खुला है। दी बता दो प्लीज़ कि पैरामेडिकल में हॉस्टल प्रोवाइड होता है? लड़कों को कोई हॉस्टल नहीं मिलता है कहीं भी, चाहे वो बीएससी नर्सिंग करें या फिर पैरामेडिकल करें, लड़कियों को हॉस्टल मिलता है, और वो भी अगर लड़कियों को मिलता है। दी बीएससी में कितनी सीटें टूटा? 340 समथिंग
दी पैरामेडिकल में कितने रैंक पर कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट में, अगर मैंने इस पर सेपरेटली अच्छे से वीडियो बना लेके, प्लीज़ उसको जाकर एक बार देख लो, अब आपको समझ आ जाएगा कि कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है करके सारी उस पर बनाएंगे। प्लीज़ वहाँ पर एक बार आप वहाँ पर जाके अच्छे से देख लो, ठीक है? तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से मिल जाएगी। दी बीएससी नर्सिंग में मैं बोला मैंने, हाँ रीता बीएससी नर्सिंग में भी थ्री, हाँ बीएससी नर्सिंग में मैं आपको बता रही हूँ 330 या 340 सीट्स हैं, और आप जर्नल से हो, आपकी इतनी रैंक है, तो मैं यही बोलूँगी एक बार काउंसलिंग करवा लूँ, सारी काउंसलिंग आप लोग क्या करो ना करवा लो, ठीक है? दी प्लीज़ रिप्लाई रैंक, नो सर बीएससी नर्सिंग साक्षी नेगी, जर्नल है तो बिल्कुल नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंक है, अगर AW ऐसे तो थोड़ी है। हेलो निधि, अगर आपके पास EW है तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटीज दी जाती है जिनके पास कोई सर्टिफिकेट है, SC हो, ST हो, OBC हो, या फिर दी जो अगर इतना कुछ किया है तो फिर तो नहीं भरना बनना 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 चाहिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक तरफ से पूरा पूरा टाइम मैनेज ही है, आपने 2021 में रिजल्ट आया, फिर आपने कंप्यूटर किया है, ठीक है? तो चिंता मत करिए। दी नॉर्सेट का एग्जाम कौन देता है? नॉर्सेट का एग्जाम वही दे सकते हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है। शांति रौतेला, लड़कों वेलकम बच्चे, अगर आपको अच्छा लगता है, लड़कों को हॉस्टल BSc नर्सिंग में नहीं मिलता है ना पैरामेडिकल में, सिर्फ एक हल्द्वानी कॉलेज ऐसा है जहां लड़कों को जो बॉयज़ हैं उनको हॉस्टल मिला है पैरामेडिकल में भी, और किसमें BSc नर्सिंग में भी, क्योंकि जो हल्द्वानी कॉलेज है वो अंडर चलता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, तो PG वाले जो लड़के होते हैं वो उनको अपने साथ रख लेते हैं, अदरवाइज कोई सेपरेट रूम नहीं होता है। अगर आप दून में जाओ, अल्मोड़ा में जाओ, पिथौरागढ़ में जाओ तो कोई कॉलेज की फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ लड़के रेंट में अपना रूम लेकर रहते हैं और वहीं से आते हैं और वहीं से जाते हैं, मतलब कोई लड़कों के लिए इतनी कोई हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको पहले बता दूं, गर्ल्स के लिए तो हो सकते हैं, बट यहाँ पे बॉयज के लिए कुछ भी नहीं है। कल मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो एफिलेटेड हैं INC से, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। दी क्या दून और हल्द्वानी में पैरामेडिकल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है? हल्द्वानी में भी है और दून में भी है। हल्द्वानी में जो पैरामेडिकल का कोर्स होता है बच्चे करते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है वाइट कलर का मे बी सूट होता है एंड ब्लू कलर का वो होता है उनकी वो सलवार टाइप का ऐसा कुछ होता है। दी प्लीज़ DPW सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो DPW सर्टिफिकेट तो आपको क्या होगा ना, कोटा मिलेगा, काउंसलिंग में आपको थोड़ी छूट मिलेगी, और आपको मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला होगा तो मिल जाएगा, मतलब इट्स लाइक जैसे और लोगों का SC ST सर्टिफिकेट होता है तो आपका DPW सर्टिफिकेट, समझ रहे हो वैसा। हॉस्टल की फ़ीस 1800 होती है हर गवर्नमेंट कॉलेज में, 1800 में आप पूरे एक साल रह सकते हो फ्री में, ठीक है? एक साल में 1800 होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो आई होप आप सबकी क्वेरीज मेरी इस वीडियो से वो आई दी, प्लीज़ बताइए कौन कौन से। इरम कल जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी, चिंता मत करिए बच्चे, मैं उसमें आपको यही बताऊँगी कि कौन कौन से कॉलेज INC से एफिलेटेड हैं, पूरे गवर्नमेंट भी बताऊंगी और पूरे मैं आपको प्राइवेट भी बताऊंगी, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको पूरे कॉलेज के बारे में बताऊंगी। दी आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड बट आई डोंट हैव सर्टिफिकेट टू काउंसलिंग, में कोई इशू आएगा क्या? अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फिर आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए तब आपको मिलेगा। आई होप इस वीडियो से आपके कोई ना कुछ कुछ ना कुछ क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी, एंड सॉरी मैं थोड़ा लेट आई, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था और क्या कहते हैं, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं अगली बार से ट्राई करूँगी कि जल्दी आऊँ और आप सबका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। जिन जिनका रिप्लाई नहीं हो पाया तो उनके लिए बहुत बहुत मुझे सॉरी, मतलब माफ़ करिएगा, और जिनका हो पाया उनको थोड़ी मेरी हेल्प अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको हर एक नोटिस मिलता है यूनिवर्सिटी का, जो भी आता है मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो यार अपना ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, घर वाले ताने दे रहे हैं तो उनसे बोलिए मुझे ताना मत दो, एक ना एक दिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और मैं भी एप्रन पहनूंगी और अच्छे से लोगों की सेवा करूंगी, तो उस टाइम पर वो लोग बोलेंगे कि या आई एम, वो लोग आप पे प्राउड फील करेंगे, तो उनकी बातों को इतना माइंड मत कीजिए। तो या मोटिवेट रहिए और अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए,
दी प्लीज़ रिप्लाई मी, ओके अंजलि मैं आपका रिप्लाई करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अब मैं अगले फ्राइडे को रात के 8 बजे लाइव आऊँगी, ओके, तो आप सब लोग मुझे वहाँ मिलिएगा और अपनी क्वेरीज जो भी आपको मेरे से पूछना है वो पूछिएगा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पर आपकी हर एक का आंसर करूँ और किसी को डिमोटिवेट ना करूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड गुड नाइट एंड लव यू ऑल। महिमा, इंस्टा आईडी मेरी हिमानी जोशी है, हिमानी जोशी, HIMANJOSHI जोशी। एवेंजर्स क्या आपका रिप्लाई क्या करना है अंजलि भट्ट, थैंक यू, वेलकम बच्चे। हिमानी जोशी में आप लोग जाके मुझसे बात कर सकते हो, मैं अभी वहीं लाइव आने वाली हूँ। कुछ अगर क्वेश्चन छूट गए तो प्लीज़ वहाँ पर भी आप जाकर मेरे से क्या कर सकते हो पूछ सकते हो। और अपना ध्यान रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। दी 89 में मिल जाएगा जनरल से, अगर 89 रैंक है तो आपको ईजिली दून हल्द्वानी दोनों में से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। अगर 89 रैंक है तो फर्स्टली कांग्रेस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक है। सो या बाय बाय, मिलते हैं अगले लाइव में फ्राइडे रात 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।